देहरादून में कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी आजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता आजाद अली पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि आजाद अली के मिजाज पर पूर्व में भी उंगलियां उठ चुकी हैं और अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब आजाद अली ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीडियाकर्मी को धमकाया था और उस वक्त भी उनकी काफी आलोचना की गई थी। तो इससे पहले भी कांग्रेस नेता आजाद अली पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं। पुलिस ने आजाद अली को अब गिरफ्तार कर लिया है। महिला को मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप कांग्रेस नेता आजाद अली पर लगा है। इससे पहले भी उनकी काफी आलोचना अलग अलग मामलों में हो चुकी है। फिलहाल आजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देहरादून में कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी आजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता आजाद अली पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप है। आपको यह भी बता दें कि आजाद अली के मिजाज पर पूर्व में भी उंगलियां उठ चुकी हैं और इस चीज को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब आजाद अली ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडियाकर्मी को धमकाया था। संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, एक बार फिर से आजाद अली पर उंगलियां उठी है, एक बार फिर से वो सवालों के घेरे में है और इस बार तो पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली, एक बार ये पूरा मामला आप बताएं। देखिए मनीषा, ये कांग्रेस नेता हैं आजाद अली, जो कि पहले भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। उन पर जो है एक गंभीर आरोप महिला ने लगाया है कि महिला ने बताया है कि इन पर फोन के संदेश के जरिए जो है उन्होंने अश्लील बातें जो है फोन के जरिए किया है और फोन कॉल्स जो है उनके द्वारा जो है किया गया है, जिसके बाद महिला ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और आज कोतवाली थाने ने जो है उन्हें गिरफ्तार भी किया था और कोर्ट में जो है उन्हें पेश भी किया। इनमें धारा 354 के तहत जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, कोर्ट में इनको पेश किया गया था। हालांकि इसमें जो है उनको यह जरूर है कि कोर्ट ने उन्हें 41 में तामील किया है, क्योंकि इसमें जिस तरह से कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया है उनमें यह कहा गया है कि 7 साल से जो कम जो सजा होनी है उसके लिए उनको जो है 41 तामील किया गया है, जिसमें कि अब उनको जो है कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि यह पहला मामला नहीं है ये कांग्रेस नेता आजाद अली पर, या 2006 में भी इन पर जो है महिला के साथ अश्लील बातें और उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने आया। 2006 में भी कोतवाली थाने में उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और हमने कुछ दिन पहले भी इतिहास जो है वो भी बहुत कोई पाक साफ नहीं रहा है उपेंद्र, उनका इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। इसी बीच समाज सेविका सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ गई। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। सुजाता जी, जिस तरीके से एक बार फिर से सवाल उठे हैं, एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं और इस बार आरोप ये कि महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजा गया, अगर एक पार्टी का कोई नेता है या फिर किसी अच्छे पद पर कोई तैनात है, किसी अच्छे पद पर है, क्या ये शोभा देता है? निश्चित तौर पर ये बहुत ही सीरियस इशू है। अगर उन्होंने अश्लील मैसेज भेजा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि ऐसे लोगों को हम राजनीति में अगर देखें भी तो उन्हें उनको नकारे और जिस भी पार्टी में वो है वो पार्टी उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, उन्हें सस्पेंड करे जब तक कि इसमें फैसला नहीं आता। इनके ऊपर अगर पहला मामला नहीं है तो ये और भी सीरियस इशू हो जाता है कि इस तरह का जो आरोप है इनके ऊपर पहले भी लगा, क्या उसमें इनको जेल हुई थी, क्या इनको सजा हुई थी, वो भी हम सबको जानना बहुत जरूरी है। समाज में ये जो प्रीडेटर्स होते हैं, ये सेक्सुअल प्रीडेटर्स हैं, इनसे हमें अपनी बेटियों को बचा के रखना है, महिलाओं को बचा के रखना है। किसी व्यक्ति की पत्नी को इस प्रकार से इन्होंने मैसेज भेजा और उसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है तो ये बहुत सीरियस इशू है। बिल्कुल, और सुजाता जी सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले अभी तो महिला के साथ इस तरह का व्यवहार है, इससे पहले मीडिया कर्मियों को धमकाया था। आप ये देखिए किस तरह के संगीन ये अपराध है, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का उसे धमकाया गया और अब महिला को इस तरह के आपत्तिजनक संदेश भेजे गए। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मैंने तो शुरुआत में कहा कि कभी भी जो पॉलिटिक्स में
अगर ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनके विरुद्ध सीरियस कार्यवाही करी जानी चाहिए पार्टियों के द्वारा। ये नहीं देखना चाहिए कि उनसे उन्हें क्या फायदा हो रहा है पॉलिटिकली, ये देखना चाहिए कि सोशली क्या ये लोग एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको किसी भी पार्टी में कोई भी नेतृत्व करने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज में ये गलत मैसेज भेजता है। बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए। और संवाददाता उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से गिरफ्तारी तो अब हो चुकी है, लेकिन क्या खुद उनकी तरफ से कोई सफाई अपने आप को बचाने के लिए पेश किया गया है? क्या पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ बयान आया है सामने? अभी पार्टी की ओर से कोई भी जो है बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यह जरूर कहा है कि ये जो पूरी सोची समझी साजिश है उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, हालांकि उन्होंने यह भी जरूर कबूला है कि उनके उनका जो महिला जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उन पर जो है उनसे उनकी फोन पर वार्ता भी हुई है, और ये हालांकि ये जरूर उन्होंने ये भी कहा है कि कई दिनों से कई महीनों से जो उनसे बातचीत चल रही है और महिला ने जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं कि अश्लीलता भरे मैसेज जो है वो करते थे, कई बार फोन कॉल जो है व्हाट्सएप के द्वारा जो है उनको फोन कॉल्स भी किए गए, वीडियो कॉल्स भी किए गए, और साथ ही कई सारे प्रोत्साहन भी जो है महिला को मैसेज के द्वारा दिए गए, तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। महिला ने जिस करके जो मामला जिस तरह से दर्ज किया हुआ है कोतवाली थाने ने, हालांकि उनको गिरफ्तार भी किया हुआ है और कोर्ट में उनको पेश भी किया है, लेकिन ये गंभीर आरोप है, इस पर पार्टी को भी जरूर सोचना होगा क्योंकि इससे पहले भी कई सारे संगीन आरोप जो है उन पर लगे हुए हैं। 2006 का भी मामला है, अगर 6 की भी बात की जाए तो कोतवाली थाने में उन पर महिला के साथ अश्लीलता भरे मैसेज और कॉल्स करने और उत्पीड़न करने का मामला जो है वो सामने आया था, उस पर भी वो जेल गए थे, लेकिन इस पर इसके बाद भी पार्टी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। और कुछ ही दिन पहले जो है जिस तरह से कांग्रेस भवन में भी कुछ मीडिया कर्मियों के साथ जो है उन्होंने हाथापाई भी की, उनमें हमारे कई सारे मीडिया कर्मी उनमें शामिल थे जिनके साथ उन्होंने हाथ गाली गलौज हाथापाई करते हुए भी दिखाई दिए, उसके बाद भी पार्टी ने उसमें संज्ञान नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामले जो है लगातार इन पर आ रहे हैं, वह सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी का संज्ञान नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि काफी बड़ा मामला है। और जिस तरह से महिलाओं को लेकर लगातार पार्टियां जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार जब जो बात उठाती है कि हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनके के जो नेता हैं इस प्रकार की हरकतें जब करते हैं अश्लीलता भरे मैसेज जो है महिलाओं को करते हैं, तब कहीं ना कहीं इस तो पर जो है सवाल संदेश समाज में अच्छा नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और कम से कम पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गए। प्रतिमा जी बहुत स्वागत आपका नेटवर्क चैनल पर। जी प्रतिमा जी, आप मामले से तो अवगत होंगे, जिस तरीके से पूरा आरोप लगा है, ये पूरा मामला सामने आया है कि महिला को जो किस तरीके से संदेश भेजे गए हैं, महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजे गए हैं, इस पूरे मामले में पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? देखिए मेरे ख्याल से अभी इस तरीके की कोई भी जो मुझे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी देखिए नहीं है, पार्टी को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर जैसे ही पार्टी के पास प्रूफ के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। और हम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, कांग्रेस नेता आजाद अली पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगा है और ये बहुत संगीन आरोप है। यही मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन देखिए दे रही हैं और अभी पार्टी लेवल पे पार्टी स्तर पे किसी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर इस तरीके की कोई भी महिला के द्वारा कंप्लेंट आती है या किसी अन्य सूत्रों से ऑथेंटिक सूत्रों से पता चलता है विद प्रूफ, तो पार्टी जरूर एक्शन लेगी। और आपको पता है कि पार्टी कभी भी महिला विरोधी जो भी नीतियां हैं उन पे अमल नहीं करती है और अगर महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो तीरथ रावत के बयान का मुद्दा हो, चाहे वो और भी कई अन्य मुद्दे हों, तो हम डेफिनेटली इस पे एक्शन लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से आपको बिल्कुल आप बिल्कुल प्रतिमा जी, कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेती है अपने कार्यकर्ता की इस तरह के हरकत पर या इस तरह के अश्लील मैसेजेस भेजने पर, वो तो बात की बात है। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई है वो कर दी है, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई बार उन पर आरोप लगे हैं। कांग्रेस कार्यालय में ही मीडिया कर्मियों को धमकाने का आरोप लगा था, तब क्यों नहीं पार्टी ने कार्रवाई की?
देखिए फिर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उनसे आप देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हमेशा होती रही है और अभी अगर आपको उसका संज्ञान नहीं है तो आप प्लीज उसका संज्ञान ले लें। और पार्टी में अगर किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणी किसी महिला पे या कोई मैसेज भेजना या अभद्र व्यवहार करना, अगर इस तरीके की कोई भी बात पार्टी आलाकमान के संज्ञान में आती है, अध्यक्ष जी के संज्ञान में आएगी, तो वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे, मैं आपको इसके लिए श्योर कर रही हूँ। प्रतिमा जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर किसी भी कार्यकर्ता पर बार बार आरोप लग रहे हैं, बार बार इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे, तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया नहीं जाना चाहिए? बोल रही हूँ, देखिए एक बार की माफी तो कहते हैं ना कि कोई भी कर देता है, एक बार की हुई गलती में अगर इंसान अपनी गलती को मान लेता है। तीरथ सिंह रावत जी ने महिलाओं के लिए जो जिस तरीके के बयान दिए हैं उससे, लेकिन अगर दोहराया जाए तो प्रतिमा जी, अगर गलतियों को दोहराया जाए तो पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? मेरी बात सुनिए, एक बार की हुई गलती के लिए पार्टी ने उन्हें माफ कर दिया था, ठीक है, लेकिन दूसरी बार और हर बार अगर वो प्रश्न दोबारा दोहराया जाएगा तो पार्टी उन्हें माफ नहीं करेगी और इस बार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई होगी तो मैं खुद पहली होंगी व्यक्ति जो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू। ठीक है प्रतिमा जी, यानी कि आप ये आश्वासन दे रही है लाइव टेलीविजन पर कि अगर ये प्रूव हो जाता है और अगर पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती है और वो दोषी पाए जाते हैं तो पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये आप खुद कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपसे नेशनल टेलीविजन पर ये बात बोल रही हूँ और इसको आप देखिएगा, मैं पालन भी करूँ। जी बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी आपका नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए। और उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो खुद कह रही हैं कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, हालांकि वो इस मामले से अवगत नहीं थी, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जांच पूरी हो जाती है, तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं। जांच कहां तक पहुंची अब तक उपेंद्र? देखिए वरिष्ठ, अगर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस के पास प्रूफ भी पूरे हैं, जिस प्रकार से महिला ने जो जिस प्रकार के गंभीर आरोप जो हैं आजाद अली पे लगाए हैं, ये काफी गंभीर आरोप है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई भी की है, उसकी गिरफ्तारी भी की और साथ ही आज उनको कोर्ट में भी पेश किया गया था, जिस प्रकार से 354 एक के तहत जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि वहां से जो है जो कोर्ट के ओर से जो है धारा 41 की तामील किया गया है, जिसमें यह रहता है कि अगर कोई भी 7 साल से कम अगर कोई सजा होती है तो उनको जो है डायरेक्ट जो है उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि उनको कोर्ट में जरूर पेश किया जाएगा, उनको हाजिरी जरूर देनी है। जब भी कोर्ट उनको बुलाएगा उस मामले पर, तो जरूर उनको जो है, जब तक वह पूरा प्रूफ नहीं हो जाता कि किस तरीके से जो है ये मामला हुआ, क्या कुछ मामला था, तमाम जो प्रूफ है उनको वहां पर उनको रखना होगा, तमाम जब भी कोर्ट उनको बुलाएगा उनको कोर्ट पर जाना होगा। लेकिन पार्टी की ओर से अगर देखा जाए तो पार्टी की ओर से जरूर उन पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि यह बड़ा मामला है और महिला से जुड़ा हुआ संगीन मामला, क्योंकि पार्टी लगातार इस बात की दुहाई देती हुई दिखाई देती है कि हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, और जिस बात से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी बताया कि हम जो है इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि कब तक यह कार्रवाई होती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब देखा कि जब मीडिया कर्मी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी।